ये ओरिजिनल पेंटिंग जमील नक्श की बनी हुई है। ओरिजिनल इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। ये हमारे अपने आर्टिस्ट ने अपना कर हमें दी, हमने यहाँ गैलरी पे रखी, तो हम ये 12 से 15 हज़ार की रेंज में सेल कर रहे हैं। ये पेंटिंग्स बेसिकली सैफुल्ला नफीसी की बनी हुई है और ये सारा नाइफ वर्क है। इसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाकर और फिर इसको चाकू से खुलचा जाता है। पिंड और देहातों में जो हमारे टैलेंट छुपा हुआ है ना, ये बेसिकली सब आप देख रहे हैं, या पेंटिंग्स जितनी भी लगी हुई ये उनका है। तो हम उन लोगों को प्रमोट करते हैं यहाँ पर, लोगों के घर सस्ती पेंटिंग्स मुहैया करके। एक बड़ी आर्ट गैलरी पे आप चले जाएं, कोई 5 लाख की पेंटिंग है, कोई 50 लाख की पेंटिंग है, कोई 1 करोड़ की पेंटिंग है और 4 करोड़ की भी पेंटिंग है। यहाँ पर वो पेंटिंग्स के जो मार्केट के अंदर 5 लाख 10 लाख 50 लाख तक की हैं, बहुत कम प्राइस में आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आनंद नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन मौजूद हैं फोर्ट व्यू आर्ट गैलरी के अंदर। यहाँ के बारे में पता लगा है कि जो सीनरीज दूसरी आर्ट गैलरीज में लाखों रुपए की कीमत में फरोख्त होती हैं, उससे ज़्यादा अच्छा काम और उससे ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई सीनरीज बहुत कम पैसों के अंदर, बहुत कम दाम के अंदर यहाँ से मिल रही हैं। हम आपको ये सीनरीज दिखाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पे एक कस्टमर मौजूद हैं जो कि सीनरीज यहाँ पे विजिट करने आए हैं, खरीदने के लिए आए हैं। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। सर कैसा लगा यहाँ के सीनरीज का, आपका मिजाज कैसा लगा? बहुत बेहतरीन है और जिस क्वालिटी की और जिस आई बिलीव लेवल की सीनरीज सेल कर रहे हैं और लोकल आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आई थिंक ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए पाकिस्तान में, लाहौर में खासतौर पर। और आर्ट गैलरीज के मुकाबले में जो यहाँ पर जो कीमत है उसमें कैसा फ़र्क महसूस हुआ? लास्ट टाइम मैंने जुल्फी आर्ट गैलरी को विज़िट किया था, जौहर टाउन में है, और वहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइस है किसी पेंटिंग की वो है तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख। और यहाँ पर कितना महसूस हुआ? यहाँ पर मुझे एक पेंटिंग पसंद आई थी सामने वो, और क्या हम आपके साथ ही मिलकर देखते हैं वो, आपको कौन सी पसंद आई है? नाज़रीन ओहो हो ब्यूटीफुल। नाज़रीन ये गया वाकई ये सीनरी इस काबिल है कि ये पसंद आ सके और इसको ख़रीदा जा सके। तो वैसे आपको पसंद तो आ गई, इसकी प्राइस क्या बताई उन्होंने? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट लग रहा था कि ये तकरीबन 70 हज़ार से 1.5 लाख के मार्जिन में होगी, बट इन्होंने मुझे प्राइस बताई, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि 12 हज़ार रुपये की ये। ओहो क्या बात है, फिर तो आपको फ़ौरन ख़रीद लेनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बट ऑब्वियसली आई एम राइट नाउ मैं विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ सो लेकिन जैसे ही हम खरीदने आएंगे तो ऑब्वियसली दिस शॉप विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नाज़रीन आपने ये देखा कि जो कस्टमर हैं जहन में उनके, क्योंकि जाहिर है वो मार्केट का विजिट करते रहते हैं, और उनके मुताबिक कि ये मैक्सिमम 1 लाख से 1.5 लाख के करीब शुरू होगी, लेकिन जो कीमत है वो इतनी लो प्राइस है कि मेरे ख्याल में बंदा यूं पूछे और यूं करके ले ले। इनके ऑनर से हम आपकी गुफ्तगू कराएंगे, हमारे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? हैदर, हैदर अली खान नाम है मेरा। हैदर भाई, अब और आर्ट गैलरीज के अंदर जाएं तो कीमतें आसमानों को छू रही हैं, ये कौन सा रिलीफ पैकेज है जो आप आवाम को दे रहे हैं? बहुत बेसिकली बात ये है कि ये आर्ट वर्क टोटल हमारे पास जो पिंड और देहातों में जो हमारे टैलेंट छुपा हुआ है ना, ये बेसिकली सब आप देख रहे हैं या पेंटिंग्स जितनी भी लगी हुई ये उनका है। तो हम उन लोगों को प्रमोट करते हैं यहाँ पर, लोगों के घर सस्ती पेंटिंग्स मुहैया करके। एक बड़ी आर्ट गैलरी पर आप चले जाएँ, कोई 5 लाख की पेंटिंग है, कोई 50 लाख की पेंटिंग है, कोई 1 करोड़ की पेंटिंग है और 4 करोड़ की भी पेंटिंग है। लेकिन ये तो इंकशाफ जो आपने किया नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि ये पेंटिंग्स उन लोगों के हाथ का बनाया हुआ जादू है कि जो पिंड था में हैं, जो गांव देहातों में हैं, जिन तक कोई रसाई हासिल नहीं कर पा रहा, ये भाई उन तक पहुँच के उनसे उनके फ़न को जो है वो एक तस्वीर की शक्ल में इधर तक लेके आके और लोगों तक वो बांट रहे हैं। भाई जान ये बताएँ कि ये आया कैसे आपके माइंड में कि ये उन लोगों से ये काम कराया जाए? सर बेसिकली ज़्यादातर आर्टिस्ट जो होते हैं वो बेरोज़गार होते हैं, तो उनको कोई ऐसी जगह चाहिए वो अपना टैलेंट कैनवस पर प्रमोट करें और फिर सेल करें। तो हम लोगों ने ये वर्कशॉप इसलिए बनाई हुई है कि यहाँ पर हम पेंटिंग्स रखें और यहाँ की पेंटिंग यहाँ पर सिर्फ यहीं नहीं पूरी दुनिया में जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की नहीं होती कि वो 5 लाख 4 लाख की पेंटिंग ख़रीद सकें, फिर हम उनको ये 10,000
12,000 5,000 2,000 उनको सस्ती पेंटिंग्स हम बेचते हैं। यानी कि इधर 2,000 5,000 तक की भी पेंटिंग अवेलेबल? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर नाइफ वर्क भी है आपको मिलेगा, ब्रश वर्क भी मिलेगा। मैं आपको ये थोड़े सा आगे पेंटिंग दिखाता चलूँ, ये साथ साथ चलते जी, जी। ये देखें, ये आप इस पेंटिंग पे थोड़ा सा कैमरा मारें, ये ओरिजिनल पेंटिंग जमील नक्श की बनी हुई है, लेकिन ये उसकी कॉपी है। तो ये ओरिजिनल, इसकी कीमत तकरीबन 50 लाख 40 लाख रुपए है। ये हमारे अपने आर्टिस्ट ने अपना उसका एक हल्का फुल्का सा रोज़ी का सिलसिला चला हुआ है, उसने बनाकर हमें दी, हमने यहाँ गैलरी पे रखी, तो हम ये 12 से 15 हज़ार की रेंज में सेल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि जो चीज़ 50 लाख 40 लाख के उस पर है, वो अगर ये 15,000 20,000 पे, चाहे वो उसकी ए प्लस कापी ही क्यों ना हो, बहुत बड़ा मार्जिन है। तो ये मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसपे लोग ज़्यादा टूट के पड़ते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए? आए मैं आपको आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेंटिंग्स बेसिकली सैफुल्ला नफीसी की बनी हुई है और ये सारा नाइफ वर्क है, इसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाकर और फिर इसको चाकू से खुरचा जाता है। अच्छा। तो इसमें बड़ी टाइम लगता है पेंटिंग में, आप देखेंगे ये उनका आर्ट है, ये सारा बेसिकली चाकू से खुरची हुई पेंटिंग है, ये सैफुल्ला नफीसी का वर्क है। इनकी मैं आपको और भी पेंटिंग्स दिखाता हूँ, ये देखें, ये बेसिकली होता है ये कैनवस के ऊपर, ये कपड़े के ऊपर पेंटिंग बनती है और फिर इसको तकरीबन ये 10 से 12 दिन में पेंटिंग बनती है, इसको सूखने में एक महीना भी लग जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको, हमारे पास लोगों को बाज़ औकात शिकायत या खदशा होता है कि इतनी सस्ती दे रहे, पेंटिंग नहीं हो सकती। देखें, पेंटिंग की आपकी गारंटी है फुल टाइम। मैं अभी देखें, यह आपको सीधा दिखा रहा हूँ, अभी इसकी पहचान ये है कि ये देखें, ये मैं आपको उल्टा करके दिखाऊंगा तो इसकी रोशनी वगैरह आपको पीछे से भी दिखाई देगी खुलची हुई, अगर थोड़ा सा इस तरफ पा के देखें तो ये नज़र आ जाएगी बैक साइड से। तो ये ओरिजिनल पेंटिंग की निशानी है कि एक तो कैनवस के ऊपर बनी हो, फिर ये है कि ऑनलाइन हमने ये सेल करने की कोशिश की थी तो लोगों को नहीं हम कन्वेंस कर सके ये पेंटिंग है, क्योंकि अक्सर मार्केट में लोग पोस्टर्स वगैरह बनाकर बेच रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर आए, हमारी फोर्ट व्यू हाइट गैलरी है, ये लाहौर फूड स्ट्रीट में वाकई है। तो इंशाल्लाह ताला आपको हर किस्म का काम मिलेगा, कोई भी कोई महंगी से महंगी पेंटिंग आप पिक्चर लाएँ, हम आपको सस्ती से सस्ती अपने आर्टिस्ट से बनवा कर देंगे। कैनवस का जो आर्ट है वो तो जहाँ तक मैंने सुना है वो 1,50,000 पे ही जाके लोगों का एंड होता है कि इससे कम में ये नहीं दी जाएगी। ये इतने कम मार्जिन पे आपकी क्या जहन के अंदर एक है कि भाई मैंने ये कम रेट में बेचनी है? अब हमारा तरीके का दूसरों से मुख्तलिफ है, लोगों ने बनवानी होती है, एक पेंटिंग बनाई मार्केट में सेल करने के लिए रख दी, प्राइस अपनी मर्जी के लगा दी, ये जी मेरा आर्ट है 5 लाख रुपये की मैंने पेंटिंग बेचनी है। अब हमारा तरीकेकार कुछ और है, हम अपने आर्टिस्ट को कहते हैं आप खुलकर बनाओ, 10 पीस बनाओ, 15 पीस 20 पीस, जिससे आपका रोजगार चले, एक पेंटिंग बनाकर घर नहीं बैठ जाना आपने। तो उससे आर्टिस्ट का भी फायदा होता है, हमारा भी फायदा होता है, ये सिलसिला इस तरह चल रहा था। बिल्कुल नाजिन, कम चीज़ का रेट करके ज़्यादा बेच दें, इससे बेहतर कि आप कोई महंगी चीज़ रख के और महीने महीने वेट करें। आपने यहाँ पे पेंटिंग्स देखी हैं और मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं तो इतने इतने खूबसूरत आर्ट बने हुए हैं, ये आई थिंक के जो वर्ल्ड सिटी है उसका ही नक्शा यहाँ पर क्रिएट किया गया, ये देख सकते हैं आप, इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं कि ये देख के दिल करा है कि सारी की सारी इसको मैं खुद ही ले जाऊँ। ये कैमरा मैन दिखा सके तो ये शायद बादशाह मस्जिद उसका सारा नक्शा बना हुआ है, और इसके अलावा इधर अगर कैमरा मैन अगर कर सके तो ये देखें क्या खूबसूरत आर्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, हाथों के जादू जो हैं वो यहाँ पर सर चढ़ के बोल रहे हैं। कि लोगों को बाज़ औक़ात खदशा होता है कि ये कोई NCA के स्टूडेंट्स ने बनाई हुई हैं, या ऐसे ही हम लोग इधर से बच्चों से बनवा कर ख़रीद कर और लग दे, ये सारी पेंट, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारी पेंटिंग्स बहुत एक्सपीरियंस जो आर्टिस्ट हैं उनसे बनी हम लोग बनवाते हैं। मैं खुद कॉपर ब्रास हैंडीक्राफ्ट का आर्टिस्ट हूँ, सुई से लेकर जहाज़ जिसे कहते हैं, हम पेंटिंग में और हैंडीक्राफ्ट में सब कुछ बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये NCA के स्टूडेंट्स की, ये सब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं और ये वो लोग हैं जो पिछले 40-40 साल 50-50 साल नस्ल दर नस्ल काम कर रहे हैं।
और ये मैंने पहले भी आपको बताया, ज़्यादातर टैलेंट आपको पिंड में, देहातों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, ये वहाँ मिलेगा। तो ये सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग अपनी अपनी बनाते हैं, हमारे पास लाते हैं, उनका भी रोज़गार का सिलसिला चला हुआ है। फिर ये हम सारी पेंटिंग्स उठा के आर्ट, दूसरी आर्ट गैलरीज पे सप्लाई कर देते हैं। अब जो जिसकी जहाँ जैसी आर्ट गैलरी, वो वैसे पैसे लगा कर भेज देता है। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात की हैदर भाई ने, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिए फोर्ट व्यू आर्ट गैलरी का। यहाँ पर वो पेंटिंग्स के जो मार्केट के अंदर 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक की हैं, बहुत कम प्राइस में आपको मिलेंगे, और बहुत खूबसूरत शाहकार हाथ से बनाए हुए जादू हैं यहाँ पर मौजूद। उन गरीबों का यहाँ पर रोज़गार लगा हुआ है जो गाँव देहातों से यहाँ पर बना के और अपने फ़न को यहाँ तक भेजते हैं। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, सुमित के साथ, कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।